आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कुछ बताने जा रहा हूँ। आप मोबाइल को स्क्रॉल करके देखते होंगे, मोटिवेशन वीडियो, मोटिवेशनल वीडियोज आता है, स्पीकर आता है। श्री राम जब वन में गए तो पुरुषोत्तम राम हो गए। कोई बोलता है गजवाए हिंद, कोई बोलता है कि लायन जंगल का राजा है। क्यों है? क्योंकि उसको लगता है कि राजा है। सन 2000 जो था, जब 2000 स्टार्ट हो रहा था, 4-5 अब रखो, उस समय जगह जगह हिंदुस्तान का बड़ा छोटा सभी शहर फ्री में योगा सिखाया जाता था, फ्री। और फिर पहले से आते हैं वो जो आप टाइम मोबाइल पर निकालते हैं मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, उसे आपको एग्जैक्टली फायदा क्या हो रहा है? श्री राम तो पुरुषोत्तम है, भगवान है। आपको उनके बारे में जानना है तो रामायण थोड़ा थोड़ा पढ़ लेने का ना। श्री कृष्ण के बारे में जानना है तो डेली एक पेज गीता पढ़िए, समझ में आ जाएगा। वो जो आप वीडियो देखते हैं उन लोग का प्रोफेशन है, और एक एक सिटिंग का वो लोग 1-1 करोड़ तक लेता है पैसे। और आप क्या करते हैं? अपना समय जो है सो बहुत अच्छा से बर्बाद करते हैं। उसी समय आप जो जो योगा सिखाते थे कभी एक जमाने में, वो तो अभी योगा नहीं सिखा रहा है। पहले फ्री में योगा सिखाते थे, अभी जो है सो पता नहीं क्या है, योगा का शिविर नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई कीजिए, मोबाइल भी है तो पढ़ाई कीजिए। बहुत सारा टीचर है जो कि मोबाइल में यूट्यूब पर पढ़ाता है, उसको पढ़िए। अगर थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं तो MS प्रोजेक्ट सीखिए, प्राइमा वगैरह पढ़िए। ये सब चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशनल वीडियो देखने से। वो लोग तो अर्न कर रहा है वीडियो पर, आप क्या कर रहे हैं? वो लोग एक एक सिटिंग का तो मैं बोल रहा हूँ। हमारा जो धर्म गुरु आके प्रवचन देते हैं, आप पता कीजिए एक सिटिंग का कितना लेते हैं, कितना टिकट रहता है उस पर। एक चीज़ याद रखिए, जीवन जो है तो एक चक्रव्यूह है ना। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना मालूम था, निकलने नहीं आता था उसको, घुस गया निकलने नहीं आता था। आपका जन्म जैसा ही हुआ पृथ्वी पर, आप चक्रव्यूह में घुस गया हो, लेकिन आपके पास ऐसा कुंजी, ऐसा की है जिससे आप निकलेंगे। एडुकेशन, स्किल, टैलेंट, संघर्ष, ये स्किल है। आप चक्रव्यूह तोड़ के निकल जाएंगे। समय बर्बाद नहीं कीजिए, अपना गुरु बनाइए, बातचीत कीजिए, और ज़्यादा ठीक है मोबाइल देखना, इंटरटेनमेंट ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन मोबाइल ऐसा नहीं कि मोबाइल जो है सो आपको कंट्रोल कर दे, ध्यान रखिएगा, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे कि आपका जो भी खाली समय है उसको प्रोडक्टिव बनाइए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है, इससे कि आपको ये जानने में मज़ा है कि शेर अपने आप को जंगल का राजा क्यों कहता है, ठीक है, और वाई श्री कृष्णा इज ए कंप्लीट मैन, ये जानना जरूरी नहीं है। वो तो हमारे संस्कार में है, ठीक है ना। और शेर और गिद्ध की कहानी में नहीं पढ़ने का, धरती पर पैर रखिए अपने, ठीक है। और जीवन रूपी चक्रव्यूह से कैसे निकलना है, इसके लिए जरूरी है कि आप एडुकेटेड हो, आप स्किल डेवलपमेंट का कोशिश कीजिए, नया नया चीज़ सीखिए, और खुद भी सीखिए, अपने जूनियर को भी सिखाइए। और एक और चीज़ है, न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर जो है सो मिरर होता है, समाज का दर्पण है, वो आपको समाज का हर चीज़ के बारे में बताएगा। हर पेज अलग अलग कहानी बोलता है,
सस्ता भी है, सप्ताह में दो दिन खरीदिए और पढ़िए। तो वो भ्रम से निकलिए, उठते उठते आप सवेरे सबसे पहले क्या करते हैं, ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि 90% आदमी जब उठता होगा तो व्हाट्सएप और फेसबुक देखता है, हम भी देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे आदत जो है सो हम छोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब छोड़िए, सवेरे जो है सो व्यायाम कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छा चाय पीजिए और दिन भर का प्लानिंग कीजिए कि आज क्या करना है, तब जिंदगी का मजा है, तब आप जीवन रूपी चक्रव्यूह से निकल जाएंगे। अदरवाइज जस्ट जो अभिमन्यु का हुआ था वैसा ही हो जाएगा आपके साथ। तो सोचिए।